Hello students, welcome to General English class. In this class we are going to discuss about concords, as I told you in the previous video. Concord or subject verb agreement. Simply it means that the verb depends on the type of subject, whether it's the number, first person, third person. According to that, verb is used in a sentence. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगा वो डिसाइड करता है. तो उसी एग्रीमेंट को, जो सही वर्ब का यूजेज है, उसको हम कॉन्कॉर्ड कहते हैं. डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है आपकी बुक में, सो यू कैन लर्न इट. तो कॉन्कॉर्ड कैसे यूज करते हैं, नाउन, प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव्स के लिए या थर्ड पर्सन के लिए. तो जैसे फॉर मेल, मेल्स वी यूज एज singular person of the male, we use he, him, his, himself, like this. And for females we use she, her, hers, herself. And for non-livings we use it, its or itself. So this is how the concord is used. So it means that verb decide karne se pehle aapko subject ke upar dhyan dena hai. सेकेंडली, अगर कॉमन नाउन है जिसमें दोनों तरह के जेंडर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम उनके लिए दे, देयर्स और देमसेल्व्स का यूज़ करते हैं. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, लाइक रीडर्स लाइक टू चूज देयर बुक्स देमसेल्व्स, द मोटरिस्ट शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ हिज कार. सी द अदर एग्जांपल, लाइक वर्ड्स लाइक बेबी एंड चाइल्ड. They refer to either sex. So here their gender is not clear. Baby could be he or she, or the child also here. So we refer it as it. It use करते हैं उसके लिए, हम he she का use नहीं करते हैं, क्योंकि baby clear नहीं करता कि बच्चे का gender क्या है. The nurse picked up the baby and gave it to the mother. So it का use करेंगे. The small child was crying for its mother. तो ये examples हैं कि कैसे आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. तीसरा जो रूल है वो ये है कि प्लूरल पर्सन्स के लिए, अभी तक हम सिंगुलर का कह रहे थे, प्लूरल के लिए अगर दोनों सेक्सेस या जेंडर्स का मिक्सचर है, तो हम दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं इस तरह से. एनिमल्स को हमेशा ही इट से रेफ़र किया जाता है, चाहे आपको वो मेल है या फीमेल है इसका पता हो या ना पता हो. लाइक वी वॉच द काओ एज इट प्लेसडली च्यूड द ग्रास. तो काओ फीमेल है हमें पता है, फिर भी हम इट का ही यूज़ करेंगे. अदर एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन. सो ये कॉन्कॉर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने यहाँ पर पढ़े. लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में जब आपको जेंडर जो स्पेसिफाई करना होता है, तब हम ही और शी का भी यूज़ करते हैं. लाइक इन द कॉर्नर ऑफ द शेड देयर वाज अ काउ विद हर काफ. तो हम काउ का जेंडर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो बच्चे के साथ है, तो हम यहाँ पर इट की जगह हर का यूज़ कर रहे हैं. पेट एनिमल्स जो है वो भी फैमिली मेम्बर्स की तरह ही यूज़ किए जाते हैं, तो उनके लिए भी कई बार हम इस तरह से ही नाउंस का यूज़ करते हैं, इस तरह से ही रेफ़र करते हैं ही और शी की तरह. फिफ्थ रूल जो हमें याद रखना है वो ये है कि पजेसिव जो है, हीज़ एंड हर, वो हमेशा जेंडर से मैच होना चाहिए. लाइक जॉन गेव अ प्रेजेंट टू हिज मदर. जॉन जो है वो मेल है, तो वो उसने प्रेजेंट किसको दिया, हिज मदर. सुजन गेव अ प्रेजेंट टू हर मदर एज वेल एज टू हर फादर. हर यूज़ किया है क्योंकि सुजैन जो है वो फीमेल है, तो जेंडर के साथ भी कोइंसाइड करना चाहिए जो हम पजेसिव यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. तो ये जो टेबल दिया है इसे आप देख सकते हैं, इट विल गिव यू द वेरियस फॉर्म्स दैट द पर्सनल प्रोनाउंस एंड द वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द फॉर्म्स दे कैन टेक फॉर ऑल पर्सन्स, all singular and plural also. So you can see here, normally we say I, then it's me,
दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस, देन पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो देयर। नॉर्मली हम अपने लिए आई का यूज़ करते हैं, तुम्हारे लिए यू का यूज़ करते हैं, बट मी, मी क्या है? जब हम कहते हैं इट्स मी, ये मैं हूँ, तब हम ये नहीं कहें इट्स आई, हमें कहना है इट्स मी। तो ये फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस तरह से यूज़ होते हैं। ओके, ऐसे ही पोजेसिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो पोजिशन बताते हैं किसी चीज़ की, या रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो बताते हैं कैसे किसने क्या किया, तो वो आपको लर्न होने चाहिए कि इन चीज़ों के पोजेसिव प्रोनाउंस या रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे बनते हैं, आई के क्या हैं, यू के क्या हैं, इस तरह से सारे प्रोनाउंस के यहाँ इस टेबल में दिए हुए हैं। अदर थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज दैट द वर्ब मस्ट बी सुटेबल विद द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ टेंस एज वेल एज नंबर, लाइक देर शुड बी नो एरर इन प्रॉक्सिमिटी। फॉर एग्जाम्पल, द क्वान्टिटी ऑफ ऑरेंजेस इज इनसफिशियंट। नाउ ऑरेंजेस इज अ प्लूरल नाउन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर आर सब्जेक्ट इज द क्वान्टिटी एंड क्वान्टिटी इज अ सिंगल एंटिटी। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट क्वान्टिटी जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, ऑरेंजेस नहीं। ऑरेंजेस प्लूरल है, तो ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ आएगा क्या, इज आएगा। सो आपको ध्यान रखना है द क्वान्टिटी ऑफ ऑरेंजेस आर इनसफिशियंट इज रॉन्ग, बिकॉज हम सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पहचान पाते हैं, दैट्स वाई वी मेक अ मिस्टेक यूजिंग द वर्ब। सो क्वांटिटी हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड क्वांटिटी हमने इज यूज़ किया है, ऑरेंजेस को नहीं देखना हमने। इसी तरह दो एग्जांपल्स और दिए हैं जहाँ पर हमने इज का यूज़ किया है, बट आपको लगेगा कि जो वर्ब है वो प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट की मिस्टेक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट रिमेंबर दीज 7 रूल्स गिवन इन योर बुक फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, लाइक टू और मोर सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। जब सिंगुलर नाउन्स हैं दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, तब वर्ब जो है वो प्लूरल होगी, लाइक प्लैटिनम एंड टाइटेनियम, एंड प्लैटिनम एंड टाइटेनियम आर प्रीशियस मेटल्स। अब प्लैटिनम और टाइटेनियम दोनों की बात हो रही है, तो ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, इसलिए हम आर यूज़ करेंगे। यहाँ मिसप्रिंट है, एंड दिया हुआ है। यू आर यू फादर एंड मदर इन द सिटी, सो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है, इसका नहीं किया है। अलग अलग एंटिटीज़ में दो अलग अलग चीज़ें की बात कर रहे हैं, तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं अगर दोनों चीज़ें एक ही एंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, तो हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे, लाइक ब्रेड एंड जैम इज़ His daily breakfast। अब यहाँ पर ब्रेड जैम दो चीज़ें तो अलग है, लेकिन एंड से कनेक्ट करके वो ब्रेकफास्ट को रिजेंबल कर रही हैं, इसलिए हम इसमें इसका यूज़ करें। द पोएट एंड फिलासफर इज़ नो मोर, तो एक ही पर्सन है जो पोएट भी था और फिलासफर, सो वी हैव यूज द वर्ब इज़। कुछ वर्ड्स जो सिंगुलर वर्ब के साथ अटैच्ड होते हैं, किन वर्ड से, विद से, एज वेल एज से, अलॉन्ग विद, इस तरह के शब्दों से जब उनको कनेक्ट किया जाता है सिंगुलर वर्ब के साथ, तब वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। द हाउस विद इट्स पेंटिंग्स वॉज इंश्योर फॉर $1,000,000। अब हम यहाँ पर द हाउस की बात कर रहे हैं, पेंटिंग्स की नहीं, इसलिए जो हमारा वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ईदर, नीदर, ईच, एवरी और मैनी। दीज वर्ड्स ऑलवेज कैरी अ सिंगुलर वर्ब। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज फाइनेंशियली साउंड, ईदर ही नॉर शी, इट शुड बी नीदर और नॉर, नॉर शी इज टू ब्लेम। नाउ नेक्स्ट, सम नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन सेंस विल टेक अ सिंगुलर नाउन। कुछ नाउन्स हैं जो क्या होते हैं, फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका सेंस सिंगल होता है, लाइक न्यूज़, न्यूज़ आपको प्लूरल लगेगी, लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर एंटिटी है। द न्यूज़ इज इनक्रेडिबल। ऐसे ही क्या है, सिक्स्थ एग्जाम्पल, जो सिक्स रूल है वो है, सम नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस, जो हमने अभी फिफ्थ किया था पार्ट, उसका अपोजिट है। 13 minutes इज अलाउड टू ईच प्रेजेंटर। अब यहाँ मिनट्स जो है प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इसकी जो सेंस है वो सिंगुलर है। नेक्स्ट जो लास्ट
रूल है वो ये है कलेक्टिव नाउंस के लिए. कलेक्टिव नाउंस एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है. लाइक द कमिटी विल मीट टू डिसाइड द केस. तो कमिटी मेंबर्स तो बहुत होते हैं कमिटी में, लेकिन वो एक सिंगल एंटिटी शो करती है, इसलिए हमेशा सिंगुलर ही जो वर्ब है वो यूज़ होगा. द क्रू हैज़ डिसाइडेड टू अबैंडन शिप. क्रू ग्रुप ऑफ मेंबर्स है बट इट शोज़ अ सिंगुलर एंटिटी, जो लोग शिप पर काम करते हैं. सो हैज़ जो है हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है. दिस इज़ हाउ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्क्स. तो आगे आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक में दी हैं ये मैंने डाली हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें. थैंक यू.